हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर फ्रेंड एंड होस्ट विवेक सैनी, यू वाचिंग विवूज ऑटो व्लॉग्स। आज हम बात करेंगे जितनी भी डैशबोर्ड्स पर इल्यूमिनाइज्ड लाइट्स होती हैं उनके सिंबल्स अलग अलग होते हैं, लेकिन क्या रिप्रेजेंट करती है इसके एक स्पेसिफिक लाइट, इसके बारे में आज बात करेंगे। व्हेनेवर यू टर्न ऑफ योर इग्निशन, आप जैसे ही टर्न ऑन करते हैं अपनी की को पहले स्टेप पे डालते हैं तो बहुत सारे सिंबल्स आ जाते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग तो जरूर होता है, लेकिन उनके बारे में आज समझेंगे। जैसे ही आप टर्न ऑन करोगे इग्निशन, वो सारे डिसअपियर हो जाते हैं, लेकिन देर इज टाइम जब उनमें से कुछ सिंबल रह जाते हैं, उन्हीं के बारे में आज बात करते हैं। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विवूज ऑटो व्लॉग्स। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि आप रहें ऑटोमोबाइल की दुनिया से अपडेट, और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप देख सके मेरी वीडियो सबसे पहले। जितनी भी इल्यूमिनाइज्ड लाइट्स होती हैं, सिंबल्स होते हैं जो आपके डैशबोर्ड या इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर पे आपको नजर आते हैं, वो एक्चुअली तीन कलर में डिवाइड होते हैं या फिर तीन कलर कोडेड होते हैं, जैसे कि रेड, येलो या फिर ऑरेंज भी आप हो सकता है, और ग्रीन और ब्लू भी हो सकता है। जिस तरीके से हमारे ट्रैफिक सिग्नल की लाइट्स होती है, उसी तरीके से यहाँ पर हमारी इल्यूमिनाइज्ड लाइट्स होती हैं। सबसे पहले ये जो इल्यूमिनाइज्ड लाइट्स होती हैं, ये जो सिंबल्स होते हैं, इनकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर लेते हैं, इनके ग्राफिकल कलर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो वार्निंग लाइट्स होती है, तीन कलर कोड में डिसाइडेड होती है, रेड होगी, येलो होगी या फिर ग्रीन होगी। दिस इज द बेसिकल फिनोमेना, जस्ट द वे ट्रैफिक सिग्नल के जो सिंबल्स होते हैं वर्क करते हैं, उसी तरीके से इनके भी काम करते हैं। येलो हो सकता है ऑरेंज में भी कन्वर्ट हो जाए आपके, अलग अलग, इट डिपेंड्स अपॉन व्हीकल टू व्हीकल, और ग्रीन हो सकता है ब्लू में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले रेड के बारे में बात करते हैं, ये पोटेंशियल सेफ्टी या फिर किसी डेंजर को रिप्रेजेंट करता है, या फिर कोई सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है आपने इंजन में या फिर आपकी गाड़ी में। ये जो लाइट आती है, इसके लिए आपको गाड़ी को रोकना पड़ेगा एज सून एज पॉसिबल, या फिर आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है तो फिर कुछ सिंबल ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं जो अभी नहीं तो बहुत जल्दी ही आपको अपनी गाड़ी की जितनी भी प्रॉब्लम है उनको रिजॉल्व करने के लिए वार्न करते हैं या नोटिफाई करते हैं। दूसरा कलर की बात करते हैं, यानी कि येलो और ऑरेंज की बात करते हैं। यहां पर उनका मीन होता है कि आपको जल्दी से जल्दी अपनी कार को थॉरली चेक करा लेना चाहिए या फिर रिपेयर करा लेना चाहिए एज सून एज पॉसिबल। और ग्रीन या फिर ब्लू लाइट की बात करें तो वो किसी सिस्टम को इंडिकेट करता है कि वो एक्टिवेटेड है। सबसे पहले सिंबल की बात करते हैं, ब्रेक सिंबल, जी हाँ, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ में आता है सर्कुलर माउंट के अंदर, और ये रेड कलर का होता है। ये रिप्रेजेंट करता है कि या तो आपकी गाड़ी के हैंड ब्रेक काम कर रहे हैं यानी कि एक्टिवेटेड है, या फिर आपकी ABS यूनिट जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, या फिर देयर इज सम प्रॉब्लम इन ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ द कार, जैसे कि आपका ब्रेक फ्लूइड लेवल जो है वो काफी लो हो गया है। इस सिंबल को हटाने के लिए आपको तुरंत ही अपना हैंड ब्रेक डाउन कर देना चाहिए, या फिर आपको थॉरली इंस्पेक्शन करना चाहिए कि ब्रेक फ्लूइड लेवल कम तो नहीं है। अगर ब्रेक फ्लूइड लेवल कम है तो इट इज अ यू नो मोर क्रिटिकल सिचुएशन, आपको उस सेंस में आपने ब्रेक फ्लूइड लेवल को जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए रिजॉल्व। ये सिचुएशन सीरियस भी हो सकती है और वो केवल तभी सीन होगा जब आपका ब्रेक फ्लूइड लेवल जो है वो थोड़ा सा लो होगा, तो उस सेंस में आपको ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर देनी चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिंबल की, यानी कि इंजन कूलेंट टेम्परेचर सिंबल की। ये भी रेड कलर का होता है और ये बेसिकली कूलिंग सिस्टम को दिखाता है, दर्शाता है कि कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें। हो सकता है कि आपका कूलेंट लेवल बहुत लो गया हो और इसीलिए वो इमर्ज आ रहा है आपकी इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर पे। ये लाइट बेसिकली डिसाइड करता है कि आपका इंजन काफी हॉट हो चुका है और आपको तुरंत ही अपनी गाड़ी रोक देनी चाहिए क्योंकि कूलेंट लेवल कम है। ये फॉल्टी टेम्परेचर सेंसर की वजह से भी आ सकता है, यानी कि अगर आपका टेम्परेचर सेंसर है वो उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है तब भी ये सिंबल आ सकता है। उस सेंस में तो आपको अपनी गाड़ी चला लेनी चाहिए, लेकिन आप थॉरली उसे इंस्पेक्ट अपने आप से नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर टाइम पर। आपको अपनी गाड़ी को तुरंत ही रोक देना चाहिए जैसे ही ये सिंबल आता है, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ, आपने अपनी गाड़ी को कंटिन्यू रखा, तो चीजें कुड बी मोर वर्ड्स और हो सकता है कि आपका इंजन सीजियर भी हो जाए। नेक्स्ट सिंबल है चेक इंजन लाइट सिंबल। इमीडिएट रेस्पॉन्स इसका नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, आपको इसको बहुत ही कैजुअली भी नहीं ले लेना है, आपको कुछ टाइम बाद में अपने मैकेनिक को या सर्विस सेंटर को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये एमिशन सिस्टम से रिलेटेड इशू है। ये किन्हीं भी पांच कारणों की वजह से हो सकता है जो मैं बताने जा रहा हूँ, और अलग चीजें भी हो सकती है इन पांच के अलावा भी, जैसे कि आपका स्पार्क प्लग है वो एक चेंज मांग रहा हो, आपकी जो फ्यूल टैंक की कैप है वो ढंग से क्लोज ना हुई हो या फिर वो क्लोज ही ना हुई हो, इसकी वजह से भी आ सकता है। कैटालिटिक कन्वर्टर आपका काफी पुराना हो चुका है या डैमेज हो सकता है, तब भी ये सीन हो सकती है या फिर ये सिंबल आ सकता है। और जो मास एयर फ्लो सिस्टम है वो भी अगर चेंज मांग रहा हो तब भी ये सिंबल आ सकता है। या फिर पांचवा कारण भी हो सकता है कि आपका जो ऑक्सीजन सेंसर है वो पूरा डिफॉल्ट हो गया और आपको उसको चेंज कराना पड़े। अगले सिंबल की बात करते हैं इंजन ऑयल प्रेशर सिंबल के बारे में। ये जो सिंबल है ये भी एक इमीडिएट रेस्पॉन्स मांगता है, जैसे ही आता है आपके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की स्क्रीन पे तो आपको इसके ऊपर थोड़ा सा
ध्यान देना चाहिए, और वो इसलिए क्योंकि ये रिलेटेड है आपके इंजन को लेके, आपके इंजन ऑयल का प्रेशर जो है वो काफी डिक्रीज हो चुका है, या फिर जो आपके इंजन ऑयल का लेवल है वो भी काफी रिड्यूस हो चुका है, जिसके कारण आपकी गाड़ी में हीटिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि फ्रिक्शनल लेवल इंजन के जितने भी अरेंजमेंट्स है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट्स है, उनमें बढ़ जाएगा, यानी कि जितने भी इंटरनली लुब्रिकेटेड पार्ट्स हैं इंजन के वो अभी रब होने लग जाएंगे, और उनकी वजह से वियर एंड टीयर आउट ज्यादा होगा गाड़ी में। सो इट्स बेटर टू टेक केयर दिस सिंबल, आपको अपने इंजन ऑयल के लेवल को या फिर प्रेशर को वहां पे एनहांस करना बहुत जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट सिंबल की बात करते हैं, यानी कि बैटरी के सिंबल की या फिर चार्जिंग अलर्ट साइन की। ये साइन इसलिए आ सकता है क्योंकि आपकी बैटरी की इस टाइम वोल्टेज काफी डाउन है, या फिर जो बैटरी का चार्जिंग सिस्टम है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा है। अब इसको इंस्पेक्ट करने के लिए आप देख सकते हैं कि कहीं आपकी अल्टरनेटर की बैटरी प्रॉपरली एंगेज या फिर डिसएंगेज तो नहीं हो चुकी है, आप देख सकते हैं कि आपके जो चार्जिंग के टर्मिनल्स है वो प्रॉपरली स्क्रूड अप है या नहीं है, और फिर भी ये नहीं जाते हैं तो आपको फिर एक कार मैकेनिक या फिर अपने नियरेस्ट सर्विस सेंटर पर कॉन्टैक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट सिंबल की बात करते हैं, यानी कि ABS के सिंबल की। अब जब ABS का सिंबल इमर्ज होता है, इसका मतलब होता है कि देर इज अ फॉल्ट इन योर ABS यूनिट। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ब्रेकिंग में कोई प्रॉब्लम आने वाली है। हाँ, ABS यूनिट उस टाइम वर्क नहीं करेगी, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो आपका ब्रेकिंग सिस्टम है ओवरऑल वो कहीं ना कहीं डिफेक्ट हो चुका है, क्योंकि ABS इज अ पार्ट ऑफ योर ब्रेकिंग सिस्टम। तो अब वहां पर ABS एक्टिवेट नहीं होगा, बाकी आपकी जो वेंटिलेटेड डिस्क हैं या फिर ड्रम ब्रेक्स वो प्रॉपरली काम करेंगे, विदाउट एन ABS काम करेगा उस टाइम एक व्हीकल। नेक्स्ट सिंबल की बात करते हैं, विंडशील्ड वॉशर लेवल, यानी कि आपका जो वॉशर लेवल है वो काफी लो हो चुका है और आपको अब उसमें वॉशर फ्लूइड को भरवा लेना चाहिए। ये सिंपल सा लॉजिक है इस सिंबल का। TPMS का सिंबल, यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हालांकि ये सभी गाड़ियों में नहीं आता है, बहुत ही एडवांस गाड़ियों में आता है, लेकिन जिस कार में ये सिस्टम है उसमें ये सिंबल का मतलब होता है कि आपकी किसी भी एक टायर का या फिर मोर देन एक भी हो सकते हैं, डिपेंड्स कि उसका प्रेशर जो है, एयर प्रेशर जो है उस टायर का वो काफी वीक है, तो आपको वो फिलअप करा लेना चाहिए अपने टायर अकॉर्डिंग टू द प्रेशर, अकॉर्डिंग टू द PSI। नेक्स्ट सिंबल है एयरबैग्स का सिंबल, यानी कि आपके एयरबैग के सिस्टम में कुछ डिफॉल्ट आया है, या तो एक या फिर एक से ज्यादा एयरबैग्स जितने भी आपकी गाड़ी में है वो उनमें किसी में एक में या फिर एक से ज्यादा में प्रॉब्लम आ चुकी है, तो इसको भी थोरोली आपको इंस्पेक्ट कराना पड़ेगा अपने सर्विस सेंटर पर। सीट बेल्ट रिमाइंडर, दिस इज एन इंपॉर्टेंट सिंबल एक्चुअली, बट पीपल डू टेक इट वेरी कैजुअली, बट ये कि इसका सिंपल लॉजिक ये है कि आपने सीट बेल्ट अपनी नहीं लगाई है और आपको अपनी सीट बेल्ट लगा लेनी चाहिए, और दिस इज वेरी नेसेसरी, सीट बेल्ट के बिना ड्राइव मत ही कीजिए। अब बात करते हैं कुछ गाड़ियों की जो तब तक स्टार्ट नहीं होती, या तो उनके क्लच पैडल या फिर ब्रेक पैडल पर हम लोग पैर ना रखें, तो ऐसे सिस्टम में ऑटोमेटिक शिफ्ट लॉक या इंजन स्टार्ट सिंबल भी हम इसको बोल सकते हैं, उस सीन में बस आपको ये करना होगी कि अपने फिर क्लच पैडल पर रखना होगा अपना पांव ताकि आप इंजन को स्टार्ट कर सकें। अब बहुत ही बेसिक सिंबल्स के बारे में बात कर ले, जैसे कि डोर अजर, यानी कि आपका कोई भी डोर खुला हुआ है, या फिर हम बात कर सकते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल की, ट्रैक्शन कंट्रोल को एक्टिवेट डीएक्टिवेट करने के स्विचेस हैं, और क्रूज कंट्रोल के भी एक्टिवेट डीएक्टिवेट करने के स्विचेस रहते हैं मैन्युअली, फॉग लैंप्स, ग्लो प्लग, ESP का फॉल्ट या फिर कोई भी सिक्योरिटी अलर्ट। तो ये छोटे छोटे सिंबल्स हैं जिनको भी आपका ध्यान रखना पड़ेगा, और ये तो थी कुछ लिस्ट इन छोटे छोटे सिंबल्स की या फिर कुछ मीनिंगफुल सिंबल्स की भी जो बहुत मीन करते हैं गाड़ी को ड्राइव करते समय और आपकी जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये सारे जितने भी मैंने सिंबल्स बताए इनमें से कुछ इतने इंपॉर्टेंट है कि वो आपकी गाड़ी की लाइफ और उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी इफेक्ट डाल सकते हैं। सो इट इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर योर डैशबोर्ड विदाउट लिविंग फ्रॉम योर होम, विदाउट स्टार्टिंग एन इंजन, और आपको अप्रोप्रिएटली उसके ऊपर रेस्पॉन्ड भी करना पड़ेगा अगर वो आते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। सो बेसिकली ओवरऑल बात करते हैं कि डैशबोर्ड या फिर कह सकते हैं कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है वो केवल डिजाइन किया गया है आपके इंजन की हेल्थ को दर्शाने के लिए और या फिर आपकी कार की हेल्थ को दर्शाने के लिए, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सो गाइस, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो आई होगी पसंद, अगर पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को क्योंकि मैं आपके लिए ही रोज एक ना एक वीडियो बनाता रहता हूं। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलेगा ताकि आप मेरी ऑफ द सीन लाइफ से भी जुड़े रहें। अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, ड्राइव सेफ।